जय हिंद जय भारत। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। इससे पहले हमने वेरिएबल्स के कुछ साधारण जो रूल थे उनको पढ़ा था, समझा था और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी की थी। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे और एक्सप्रेशन जो रूल्स हमने सीखे थे वेरिएबल्स के उनके साथ कुछ एक्सप्रेशन बनाना भी सीखेंगे कि किस तरह से वो एक्सप्रेशन बनती हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब सवाल कह सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉल दैट इन अर्थमेटिक वी हैव कम अक्रॉस एक्सप्रेशन लाइक 2 × 10 + 3। तो यदि हम अर्थमेटिक की बात करें, अब यहाँ वेरिएबल की बात हो रही है लेकिन वेरिएबल्स तो आप समझते हैं ना, जो वेरी करते हैं यानी जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में जो नंबर होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है, बदलती नहीं है, और वेरिएबल्स होती हैं उनकी बदलती रहती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम जो एक्सप्रेशन सबसे पहले अर्थमेटिक में किए थे उनको याद करेंगे कि वो किस तरह से थे। वो थे 2 × 10 + 3, है ना, और 3 × 100 + 2 × 10 + 4 एक्सेट्रा, इस तरह से थे। तो दीज एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम नंबर्स लाइक 2, 3, 10, 100 and so on। तो जो इस तरह के एक्सप्रेशन है वो किन से फॉर्म हुए हैं, नंबर से हुए हैं, और इन नंबरों से हुए हैं, किससे, 2 से 3 से 4 से 10 से 100 से, और इस तरह से नंबर कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और आगे कितने भी नंबर हो सकते हैं। टू फॉर्म एक्सप्रेशन वी यूज ऑल द 4 नंबर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अब यहाँ ये वर्ड आप यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, तो ऑपरेशन कई बार आपने सुना होगा, यहाँ ऑपरेशन से आपको अब तक पता चल ही गया होगा। तो ऑपरेशन का मतलब होता है नंबर के साथ ऑपरेशन करना, ना कि किसी पेशेंट के साथ जो ओटी में करते हैं ऑपरेशन, वो नहीं। ठीक है, तो ऑपरेशन यानी कि जो हमारे नंबर होते हैं उनके साथ एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन, इसी चीज को क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म 2 × 10 + 3, ये क्या है, एक ऑपरेशन है नंबर के साथ। तो वी हैव मल्टीप्लाइड 2 by 10 एंड देन एडेड 3 टू द प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 2 और 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 को कर रहे हैं एड। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ अदर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आर, तो यहाँ कुछ और एक्सप्रेशन दिए हैं अर्थमेटिक के। ठीक है, अभी वेरिएबल का नहीं दिया है, ये सिर्फ अर्थमेटिक का है। जैसे 3 + 4 × 5, 8 − 7 × 2, 6 × 2 − 5, 7 + 8 × 2 − 3। ठीक है, ये माइनस थ्री का ये मत समझ लेना कि ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये क्या, ये एक इंटीजर है। हमने पढ़ा है ना नंबर के बारे में शुरू में कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर, होल नंबर, सब कुछ पढ़ा है। और अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। और आगे एक्सप्रेशन दी है 14 − 5 − 2, 5 × 7 − 3 × 4, 5 × 7 − 3 × 4 − 7 एक्सेट्रा। तो इस तरह से कितनी भी क्या हो सकती है, ये एक्सप्रेशन बन सकती है। तो एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स टू। तो ये तो हमने अर्थमेटिक की एक्सप्रेशन पढ़ी, तो अर्थमेटिक ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन होती है वो वेरिएबल्स से भी फॉर्म हो सकती है। इन फैक्ट वी ऑलरेडी हैव सीन एक्सप्रेशन विद ए वेरिएबल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह दे रहे हैं 2n, 5m, तो ये n और m क्या है, वेरिएबल है, है ना, x + 10, x − 3 एक्सेट्रा। तो दीज आर एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, इनमें वेरिएबल क्या है, x है, m है, n है, है ना। तो दीज एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन वेरिएबल्स। तो इनमें भी क्या होगा, वेरिएबल के साथ भी हम क्या करेंगे, वही ऑपरेशन करेंगे जो अर्थमेटिक में किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 2 × n, यानी 2n जो लिखा है ना, इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल n/2, यानी n का 2 के साथ क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा चाहे n का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो या फिर 2 का n के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है, हमेशा नंबर पहले आता है, हम 2n ही लिखेंगे, n2 नहीं लिखेंगे। कभी भी आपने n2 लिखा हुआ नहीं देखा होगा और ना लिखा जाता है, दिस इज द रॉन्ग वे।
तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करता है, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमेशा एक्सप्रेशन में क्या होता है, नंबर पहले आता है। ठीक है, वेरिएबल्स के साथ हम जब भी लिखेंगे, भले आप आगे पीछे कुछ भी कैसे भी करके लिखा हो, अभी हम इसको और आगे पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगी चीजें, लेकिन पहले मैंने इसलिए बोल दिया ताकि आप थोड़ा ध्यान दे दो पाए सॉरी ध्यान दे पाए। तो क्या कह रही है कि 2n इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल n बाय 2, तो द एक्सप्रेशन x प्लस 10 इज फॉर्म्ड बाय एडिंग 10 टू द वेरिएबल x एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको भी 10x लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेशन बन रही है। तो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, वी नो दैट द वेरिएबल्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, ये तो हम जानते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। भाई ये एक्स है, इसकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 4, 5, 100, 1,000,000, कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि उनकी क्या है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसीलिए इनको वेरिएबल कहा गया है। बट दे आर नंबर्स, लेकिन वो नंबर्स होते हैं। दैट इज व्हाई एज इन द केस ऑफ नंबर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन कैन बी डन ऑन देम। तो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट मस्ट बी नोटेड रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स, अ नंबर एक्सप्रेशन लाइक 4 × 3 + 5 कैन बी इमीडिएटली इवेल्यूएटेड एज 4 × 3 + 5, 12 + 5 = 17। तो थोड़ा ध्यान देना, 4 × 3 = 12, ठीक है, ऐड किया 5 को तो कितना बना 17। ठीक है, इसको पहले इसमें ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि 5 का 3 के साथ पहले क्या कर दो, ऐड कर दो, नहीं, इनको ब्रैकेट में बंद किया गया। इसका मतलब क्या है, पहले हमें इस ऑपरेशन को फिनिश करना है, यानी कि पहले 4 × 3 करेंगे, 4 × 3 कितना होगा 12 होगा, फिर उसके बाद हम 5 को ऐड करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो ऑपरेशन होते हैं 2, 3, 4 नंबर के एक साथ होते हैं, या 2, 3, 4 ऑपरेशन एक साथ इन पे अप्लाई हो रहे होते हैं। तो आपको याद होगा, अभी खैर आपने पढ़ा है कि नहीं, बोर्ड मास, ठीक है, एक रूल होता है बोर्ड मास, जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में यदि मैं बोलना चाहूँ तो जैसे कहावत की तरह याद किया था ना, कैसे, का करके पुन भाग कर ता पीछे धन ऋण करे, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, जानत चतुर सुजान ऐसे करके कुछ था, मतलब इस तरह से क्या याद करने से क्या हम भूलते नहीं है। ठीक है, वैसे बोर्ड मास भी इजी है, बोर्ड मास भी लर्न कर सकते हो, बोर्ड मास भी, और हिंदी में याद करना है तो हिंदी में भी। अब का करके मतलब होता है का करके पुनः भाग कर, यानी कि पहले ब्रैकेट को ऑफ कर लो, का करने का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ करना। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ देन डिवीजन, का करके अपन भाग कर, यानी कि पहले ब्रैकेट ऑफ करो फिर डिवीजन करो, वो डिवाइड करो। ठीक है, और फिर ये फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर एडिशन करेंगे। मल्टीप्लाई किस एडिशन के पहले आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं पहले हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप पहले ऐड कर दो, देखो पूरा का पूरा मैं आपको करके बता दूं, जैसे आपने 5 और 3 को कर दिया ऐड, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32, है ना, यही आएगा ना, तो ये रॉन्ग है, हो जाएगा ना, मतलब पूरी वैल्यू भी बदल गई। तो इसीलिए ये जो बोर्ड मास होता है ना, रूल बनाया गया है, आप इस तरह से करोगे तो करेक्ट एक्सप्रेशन आएगा, और इस तरह से कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, आप 6th क्लास के बच्चे हो इसलिए बता दिया, बड़े हो तो आपको पता होगा। फिर क्या कह रहे हैं कि व्हाट एन एक्सप्रेशन लाइक 4x + 5 विच कंटेन द वेरिएबल x कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड। लेकिन यदि यहाँ क्या है, वेरिएबल है x है, तो ये एवेल्यूएटेड नहीं होगी। ओनली इफ x इज गिवन सम वैल्यू एन एक्सप्रेशन लाइक 4x + 5 कैन बी एवेल्यूएटेड। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से एवेल्यूएट होगा, ये x = 3 है तो 4x + 5, तो 4 × 3 + 5 तो 17 as found above। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो एक्सप्रेशन होती है वो किस तरह से फॉर्म होती है। जैसे y प्लस 5
5 लिखा है, तो 5 एडेड टू y, तो y में क्या किया गया है, 5 को ऐड किया गया है। फिर है t माइनस 7, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, यानी t को 7 t से, ये फ्रॉम है ना, फ्रॉम का ध्यान रखना, फ्रॉम t, यानी t से 7 को क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। फिर है 10a, तो यहाँ तो कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो a मल्टीप्लाइड बाय 10। नेक्स्ट है x अपॉन 3, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। फिर है माइनस 5 q, तो q मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था, q को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, माइनस 5 के साथ, तो यहाँ माइनस ये नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है, 5 क्या है, नेगेटिव नंबर है, जिसको हम इंटीजर कहते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, q के साथ। फिर है 3x प्लस 2, अब यहाँ दो एक्सप्रेशन हो गए, अब तक हम देख रहे थे एक एक्सप्रेशन थी, किसी में प्लस था, किसी में माइनस था, किसी में डिवाइड था, किसी में मल्टीप्लाई था, बट यहाँ पे प्लस भी है और मल्टीप्लाइड भी है, तो इसको किस तरह से फॉर्म करेंगे कि फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाई 3, देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है, पहले क्या किया है, मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ x को, और फिर 2 किया गया है उसमें एड। नेक्स्ट है 2 बाई माइनस 5, तो फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाई 2, देन 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यहाँ भी 2 को पहले मल्टीप्लाई किया गया है y के साथ, देन सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाया गया है 5 को, या डिग्री भी बोल सकते हैं हम कभी कभी, जिस तरह से भी बोलना चाहें, डिग्रीज जहाँ पे संख्या कम हो रही है यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रही है वहाँ डिग्रीज बाई 5, सो 2 इंटू y, पहले इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाई 2, देन 5 डिक्रीज फ्रॉम द प्रोडक्ट, ओके। फिर कह रहे हैं कि राइट 10 अदर सच सिंपल एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, वी शुड ऑल्सो बी एबल टू राइट एन एक्सप्रेशन थ्रू गिवन इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू फॉर्म इट, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए क्या करना है, हमको एक्सप्रेशन देना है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, तो इसके एक्सप्रेशन क्या होगा, z माइनस 12। फिर है b का 25 एडेड टू r, यानी r प्लस 25, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, p मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 16p, यहाँ आप सब देख रहे हो ना, नंबर पहले आ रहे हैं ना, बाय डिवाइडेड बाय 8, तो बाय डिवाइडेड बाय 8, y upon 8, m multiplied by 9, minus 9, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, minus 9 into m, y multiplied by 10, and then 7 added to the product, तो क्या हो रहा है, पहले 10 के साथ y को multiply किया जा रहा है, फिर 7 को add किया जा रहा है। next है, n multiplied by 2, and 1 subtracted from the product, यानी 2 को n के साथ किया जा रहा है, पहले multiply, और उसके बाद उसमें से 1 किया जा रहा है, minus, यानी कि सब्ट्रैक्ट। फिर आगे क्या है कि सरिता एंड अमीना डिसाइडेड टू प्ले अ गेम ऑफ एक्सप्रेशन, तो सरिता और अमीना नाम की जो दो लड़कियां हैं वो क्या कर रही है, खेल रहे हैं, बच्चों खेलने का बहुत शौक होता है, तो उनको चलिए गेम खेलते हैं इन एक्सप्रेशन के साथ, दे टेक द वेरिएबल एक्स एंड द नंबर 3, तो उन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया एक्स और एक नंबर ले लिया 3, फिर क्या किया, एंड सी हाउ मेनी एक्सप्रेशन दे कैन मेक, और फिर उन्होंने देखा कि आखिर वो कितनी एक्सप्रेशन बना सकती हैं। द कंडीशन इज दैट दे शुड यूज नॉट मोर देन 1 आउट ऑफ द 4 नंबर ऑपरेशन एंड एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव x इन इट, उन्होंने एक नियम बनाया कि एक जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक एक्सप्रेशन के साथ एक ही ऑपरेशन करेंगे वो, ठीक है, और x हर ऑपरेशन में आएगा उनके में, ठीक है, एंड मस्ट बी है ना, तो कैन यू हेल्प देम, तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो सरिता थिंक ऑफ x प्लस 3, तो सरिता ने क्या किया, एक एक्सप्रेशन सोची x प्लस 3, तो हाँ ये ठीक है, फिर देन अमीना कम्स अप विथ x माइनस 3, तो अमीना ने दूसरी कौन सी सोची, x माइनस 3, अब यहाँ एक दिया है, पूछ रहे हैं आपसे कि इस 3x प्लस 5 अलाउड, तो इनका जो नियम है था उसके अनुसार ये अलाउ होगी, तो नहीं ये अलाउ नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नियम बनाया है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। उन्होंने कंडीशन रखी है कि दे शुड यूज नॉट मोर देन वन आउट ऑफ फोर नंबर्स। तो यहाँ पे तो दो ऑपरेशन हो रहे हैं ना, 3x यानी कि 3x हो रहा है पहले तो, है ना, और 5, दो दो ऑपरेशन हो गए, तो इससे ये अलाउ नहीं होंगे। और 3x+3 ये भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है, तो इन दोनों में से एक भी अलाउ नहीं होगा। हमें किसी भी चीज का कोई भी काम करने से पहले ना उसको ठीक से पढ़ और समझ लेना चाहिए, ठीक है। आधी चीजें तो इसी से हल हो जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें आती हुई चीज भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और चीजों को ठीक से समझते नहीं है। जब समझते नहीं, इस वजह से मिस्टेक होती है, और फिर हम बाद में जब एनालाइज करते हैं, देखते अरे ये तो मुझे आ रहा था, फिर क्या गलती हुई, तो पता चलता है कि हमने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा ही नहीं, क्या कंडीशन थी उनको ठीक से समझा ही नहीं। तो सबसे पहले शांति से हमें समझना जरूरी है क्वेश्चन को, और नियमों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, शी सजेस्टेड 3x, सरिता देन इमीडिएटली मेक्स x/3। हाँ, ये उनकी एक्सप्रेशन सही है, 3x यानी 3 के साथ वो क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, और सरिता ने अचानक से फिर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया x के साथ, है ना, तो ये उनका सही हो रहा है। तो आर दीज द ओनली 4 एक्सप्रेशन दैट दे कैन गेट अंडर द गिवन कंडीशन। तो यहाँ केवल 4 क्या है, एक्सप्रेशन है जो कि उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रही हैं। तो नेक्स्ट दे ट्राई कॉम्बिनेशन ऑफ y 3 and 5, द कंडीशन इज दैट दे शुड यूज नॉट मोर देन वन ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी क्या है, एंड वन ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। तो एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव वाई इन इट टू चेक इफ देयर आंसर आर राइट। अब क्या करना है हमको, इस नियम को भी थोड़ा ठीक से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट दे ट्राई कॉम्बिनेशन। अब उन्होंने क्या किया, 3 नंबर ले लिए, एक्चुअली नंबर नहीं लिए हैं 3, एक वेरिएबल ले लिए, 2 नंबर ले लिए, ठीक है। द कंडीशन इज दैट दे शुड यूज नॉट मोर देन वन ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब उन्होंने क्या किया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा और ज्यादा कुछ ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पहले सिर्फ एक ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आप क्या कर रही हैं, 2 ऑपरेशन कर रही हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सॉरी मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रही शायद, हाँ इसमें भी ये वही कह रही है कि एक ऑपरेशन से ज्यादा नहीं करेंगी फिर से, ठीक है, चाहे एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवीजन करें, लेकिन एक बार में ऑपरेशन यहाँ भी वो एक ही कर रही है, ठीक है। तो फिर क्या है, और ये एक शर्त ये भी है कि एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव वाई इन इट, और हर एक्सप्रेशन में वाई होनी चाहिए। तो चेक इफ देयर आंसर आर राइट, अब आप चेक करो उनके आंसर राइट है कि नहीं। इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज वी शैल टू लुक एट हाउ फ्यू सिंपल एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो सिंपल एक्सप्रेशन इस तरह से फॉर्म होंगी, जैसे y प्लस 5, y में 5 को साथ, 5 के साथ y को क्या किया है, ऐड किया है। फिर है y प्लस 3, यानी इन्होंने 3 नंबर लिए ना, 2 नंबर एक वेरिएबल, तो सबके साथ y आना है, तो y को 5 के साथ पहले प्लस कर दिया, फिर y को 3 के साथ प्लस कर दिया, फिर y को 5 से माइनस कर दिया, y से 5 माइनस कर दिया, y से 3 माइनस कर दिया, फिर 3 × y लिख दिया। मतलब सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन डिवीजन और मल्टीप्लाई, लेकिन कर एक ही रहे ऑपरेशन। तो 3y 5y y/3 y/5, 3y + 5 3y - 5 5y + 3 5y - 3। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ तक तो एक एक ऑपरेशन चले, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, दो दो ऑपरेशन किए हैं। 3y यानी कि 3 के पहले मल्टीप्लाई किया है y के साथ, फिर क्या किया है, 5 किया है। तो कैन यू मेक सम मोर एक्सप्रेशन, तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या आप भी कुछ और एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब यहाँ कुछ ये भी दिया है कि इस y/3 + 5 अलाउड, इस y + 8 अलाउड, इस 15y अलाउड। तो हाँ, ये सब क्या होंगे,
अलाउ होंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऊपर बात की थी किसकी, एक ऑपरेशन की, तो यहाँ y को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस भी कर रहे हैं, तो दो ऑपरेशन हो गए ना इसमें एक साथ, इन दोनों में ठीक है लेकिन इसमें दो ऑपरेशन हो गए और यहाँ से भी दो दो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाले आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक थे लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, दो दो ऑपरेशन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा आगे क्या है, एक्सरसाइज 11.3 है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो आप ये एक्सरसाइज खुद से लगाने की कोशिश कीजिए और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लगवाऊंगा, ठीक है। तब तक आप कंसेप्ट को समझिए और खुद से एक्सरसाइज को लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।